नमस्कार, हूं छू जिनिशा दीक्षित। जीएसटीवी में आप सबनु स्वागत करू छू। तो समाचारों ने विगतवार जोता पहला अत्यारे एक मुख्य समाचार सामने आवी रहा छे। गांधीनगर कमलम मा केंद्रीय गृह प्रधान अमित शाह नी बैठक नो दौर हजू पण चालू छे। प्रदेश होदेदारो अने अध्यक्ष साथे अमित शाह नी बैठक चालू छे। अत्यारे अमित शाह कमलम मा चूंटणी लक्षी बैठक मा जे छे चर्चा करवाना छे, साथे ज चूंटणी माटे प्रचार अने प्रसार माटे पण तेमा चर्चा करवानी छे अने बाकी रहेला विधानसभा नी यादी ने लईने चर्चा थवानी छे। जी हां, भाजपे पोताना 178 जेटला जे छे उम्मीदवारो जाहेर करी चुक्या छे, त्यारे 4 सीट उपर जे छे उम्मीदवारो जाहेर करवाना बाकी छे। प्रदेश होदेदारो अने अध्यक्ष साथे जे छे अमित शाह नी बैठक थवानी छे। गांधीनगर मां कमलम खाते अमित शाह नी बैठक जे छे अत्यारे चालू छे, साथे चूंटणी लक्षी बैठक मां जे छे चर्चा थवानी छे, बाकी रहेला विधानसभा नी यादी ने पण लईने चर्चा थशे। तो आज समाचार ऊपर जतिन अमारी साथे जोड़ाई चुक्या छे। जी जतिन, शू छे समग्र माहिती अने भाजप नु जे कोकड़ू छे 4 सीटों ऊपर गुचवायेलू छे, तो आ बैठक मां शू निर्णय लेवामां आवशे? बिल्कुल, थी केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात मुलाकाते है। आज गुजरात मुलाकाते है, आज चौथो दिवस महत्व की बात है कि चौथा दिवस कमलम खाते पहुंचा है। हाल कमलम खाते बपोरन भोजन लई रहा है, बपोर भोजन बाद कमलम खाते बैठक कर सके। महत्व की बात है कि भाजपा ने 178 जेटला उम्मीदवारों जाहरात कर दीधी है, खास कर 4 जेटली विधानसभा, माणसा विधानसभा, खेराल विधानसभा, गरबाड़ विधानसभा, मांजलपुर विधानसभा, जे 4 विधानसभा पर उम्मीदवारोंनी जाहेरात करवानी बाकी छे, तेने लईने क्यांक ने क्यांक आ बैठक करवामां आवी रही छे। बैठकनी अंदर तमाम प्रकारनी चर्चा करवामां आवशे। साथे साथे महत्वनी वात ए पण छे कि जे प्रमाणे गुजरात विधानसभा चूंटणीने लईने भाजपे तमाम उम्मीदवारो जाहेर करी दीधा छे, त्યાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ પ્રકારનો ભાજપના ઉમેદવારોને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। એટલે કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી દ્વારા કમલમ ખાતે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બેઠકની અંદર તમામ પ્રકારની ચર્ચા કરવામાં આવશે। જી, અને અત્યારે જે બીજેપીના જે કાર્યકરો છે તેમના દ્વારા જે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, અંદર અંદર જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને અમિત શાહે કોઈ ટિપ્પણી કરી છે કે ત્યાંથી કોઈ સમાચાર સામે આવ્યા છે? बिल्कुल, थी भाजप द्वारा जो उम्मीदवारों जाहरात करवामां आवी छे तेने लईने क्यांक ने क्यांक विवाद जोवा मळी रह्यो छे। अमदावाद सहितनी जेटली विधानसभा की जाहरात करवामां आवी छे तेमां क्यांक ने क्यांक भाजपना जे रिपीट उम्मीदवारो नथी करवामां आव्या तेने लईने क्यांक ने क्यांक विरोध जोवा मळी रह्यो छे। एटले के खास करीने जे प्रकारे गुजरात विधानसभा चूंटणी में भाजपे नो रिपीट थियरी जे अपनावी छे तेने लईने खास करीने क्यांक ने क्यांक जे नवा चेहराओ युवानो महिलाओने पण उतारे छे, तेने क्यांक ने क्यांक जूना जे नेताओ छे तेमने क्यांक ने क्यांक अंदर विखवाद उभा करी रह्या छे, क्यांक ने क्यांक तेने लईने पण अमित शाह બેઠકની ચર્ચાઓ જે છે તે કરી શકે છે। જી જતીન, ધન્યવાદ તમારો માહિતી આપવા બદલ।